कारगिल की लड़ाई से पूरी दुनिया ने हिंदुस्तानी फौज का लोहा माना था। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। यह ऑपरेशन 8 मई से शुरू होकर 26 जुलाई को खत्म हुआ था, जिसमें देश के कई सैनिक शहीद हुए थे। वहीं उत्तराखंड को रणबांकुरों की भूमि कहा जाता है। इस रणबांकुरों ने कैसे जंग जीती, इसके बारे में कैप्टन अखिलेश सक्सेना ने बताया। दरअसल कैप्टन अखिलेश सक्सेना अपनी पत्नी शिखा सक्सेना के साथ हरिद्वार में स्कूल के एनुअल फंक्शन में शामिल हुए, जिनको भारत सरकार ने गैलेट्री से सराहा था। उन्होंने बताया कि कारगिल की हजारों फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियां, ऊपर से दुश्मन की बरसती गोलियां, सीधी चढ़ाई और दिलों में तिरंगा फहराने का जोश हमें विजय दिलाने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने विजय पाई, बल्कि पूरी दुनिया को भी दिखा दिया कि हमारी आर्मी में कितना दम है। उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि शिखा अखिलेश सक्सेना ने अपनी किताब नेशन फर्स्ट साझा की है, जो उनकी और उनके पति कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अखिलेश सक्सेना की कहानी है और एक सेना अधिकारी के परिवार के संघर्षों के इद्र गिद्र घूमती है। शिखा ने बताया, अखिलेश सक्सेना ने सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से लेकर वास्तव में सेना की वर्दी पहनने तक की अपनी यात्रा का खुलासा किया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हमारे हिंदुस्तानी जवानों को, ऑफिसर्स को उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। वो पहाड़ ऐसे हैं जिसमें ना वृक्ष है, ना पत्थर है, चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। तब वो आगे चले, आगे से गोलियां आती थी और वो पत्थर भी मारते थे, तो वो हमारे यहाँ से शुरू होते क्या पल थे वो जो देश के लिए बताया। कारगिल की लड़ाई इस देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि जब कारगिल शुरू हुआ उससे पहले दुश्मन ने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने वो सारी पीक्स जो लेह लद्दाख से श्रीनगर जाती थी उसके ऊपर धोखे से कब्जा कर लिया, क्योंकि विंटर में उनके ऊपर कोई नहीं बैठता था, वो विंटर वेकेटेड पोस्ट थी। और जब तक भारतीय फौजें वहाँ पे दोबारा पीक पे जाने के लिए तैयार हुई, दुश्मन उन पूरे 300 किलोमीटर पीक पे कब्जा कर रखा था। पहाड़ों की लड़ाई में जो भी ऊपर बैठा है वो मोस्ट पावरफुल है। अगर वो एक स्टोन भी फेंके